सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत कनौजिया को दिए रिहाई के आदेश तुरंत। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ पर कथित टिप्पणी करने वाले पत्रकार को तुरंत रिहाई का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रशांत ने 6 जून को ट्विट पर एक महिला का वीडियो पोस्ट कर योगी पर कथित रूप से टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि पत्रकार को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के खिलाफ टिप्पणी पर पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस मामले में उदारता दिखाते हुए पत्रकार को तुरंत रिहा कर देना चाहिए। शीर्ष नोट के यह भी कहा कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए, लेकिन क्या इस मामले में गिरफ्तारी न्यायपूर्ण है? राज्य सरकार को इस मामले में सही एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस इंद्रन बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी के बेंच ने कहा कि ऐसे कमेंट्स पब्लिक में नहीं होने चाहिए। कानून के तहत कार्रवाई जारी रहे, लेकिन पत्रकार को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश के अंदर अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। लेकिन किसी भी टिप्पणी को सोशल मीडिया पे तब तक वायरल नहीं किया जाना चाहिए, या तब तक कोई ऐसा मैसेज या कमेंट नहीं देना चाहिए, और वो भी किसी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनको रिहाई का आदेश दे रहे हैं, लेकिन जो केस है वो चलता रहेगा, इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह है स्वतंत्रता, हमें संविधान में मिली है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुक्तापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी पर निंदा की थी और राहुल ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ मुक्तापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। अगर RSS बीजेपी समर्थित प्रोपेगेंडा और मेरे बारे में फेक न्यूज फैलाने वाले पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाएगा तो ज्यादातर अखबार और न्यूज चैनलों में स्टाफ की कमी हो जाएगी। पत्रकारों को रिहा किया जाना जरूरी है। शनिवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था प्रशांत कनौजिया को और 6 जून को अपने ट्वीट हैंडल पर इश्क छुपता नहीं छुपाए ये योगी जी के शीर्षक से एक पोस्ट की थी। साथ ही में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक युवती मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर खड़ी होकर खुद को योगी आदित्यनाथ का प्रेमिका बता रही थी। प्रशांत इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ पर उनके जन्मदिन पर टिप्पणियां कर चुके हैं और वो वीडियो आप सबने देखा होगा, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इस पर यूपी पुलिस ने स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर ली और 8 जून को कनौजिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशांत की पत्नी जगीशा अरोड़ा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इसके बाद वकील नित्या रामकृष्ण ने वेंकेशन बैन से इस मामले को जल्द सुनवाई की मांग की और उसके बाद प्रशांत कनौजिया को तुरंत रिहाई के आदेश भी दे दिए गए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।